हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हैं, अभी यहाँ पे ट्रेन दुर्घटना के लिए कैसे राहत कार्य किया जाता है, अभी मैं सामने आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर पुलिस आई है, गुजरात पुलिस एम्बुलेंस NDRF की टीम आई हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट में कैसे काम किया जाता है, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पूरा A to Z मेडिकल सुविधाएं आप लोगों को, सारी चीज़ फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है यहाँ पर। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को आगे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर सामने ये ऑटो कुछ खड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर सामने देख सकते हैं पूरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और कोच का एक्सीडेंट होने पर देखिए कैसे यहाँ पर राहत कार्य किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के पुलिस NDRF टीम मेडिकल सुविधाएं सब कुछ आ चुकी है यहाँ पर। और सामने चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे कार्य किया जाता है यहाँ पर। रेलवे के अंदर कहीं भी दुर्घटना होती है गाड़ी, तो देखिए पुलिस की गाड़ी आ रही है पीछे से, देखिए। ये हमारे दलपत भाई और भरत भाई हैं, एमसीए फिटर है, ग्रेट फिटर टू। देखिए ये लोग भी अपना काम आज आगे हैं, यहाँ पर सेफ्टी ओफ्टी लगा रखे हैं। और आगे चलिए दिखाते हैं, आगे काम चालू हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे SSP सर भी आ गए हमारे। यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी किस प्रकार से खड़ी है सारी। और यहाँ पर मेडिकल टीम है, NDRF की टीम है, और यहाँ पर मरीजों को लाया जाता है, यहाँ पर मरीजों का अस्थाई रखा जाता है यहाँ पर उनके सेहत सुधार के लिए। और यहाँ पर 108 नंबर की इमरजेंसी एम्बुलेंस भी खड़ी है, और यहाँ पर डॉक्टर की टीम खड़ी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे से। और यहाँ पर पुलिस विभाग की टीम आई हुई है, और भी जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं NDRF की टीम है ये। यहाँ पर अपना कोच के अंदर यहाँ पर अपना ये मॉक ड्रिल चल रहा है, यहाँ पर इन सब का ट्रायल चल रहा है कि अगर कैसे एक्सीडेंट होने पर कैसे आपको राहत कार्य बचाव कार्य किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक टीम और एक एक जो भी यहाँ पर अधिकारी हैं यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर उनके सामने सारा यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है यहाँ पर। तो सामने है आपके देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप डी के भी कुछ यहाँ पर एम्प्लॉयज आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कैसे एक मरीज को लेके जाया जा रहा है, यहाँ से साइड से दिखाई दे रहा है आप लोग, एम्बुलेंस के पीछे से लेके जाया जा रहा है। और मैं थोड़ा आप लोगों को नज़दीकी से लेके चलूँगा दिखाने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा लाइन पे बने रहिए, और भी आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूँ। और यहाँ पे NDRF की टीम है, अगर ट्रेन दुर्घटना हो जाती है वहाँ पर तो किस प्रकार से, देखिए खिड़की है, खिड़की को कैसे यहाँ पर ग्रेनेड से काटा जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर सभी पत्रकार बंधु आए हुए हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं यहाँ पर NDRF की टीम वहाँ से खिड़की को काट रही है ग्रेंडर मशीन से, और उसे मशीन से काटने के बाद उसके अंदर से मरीज को निकाला जाएगा किस प्रकार से, और ठीक किस प्रकार से उनको सहायता दी जाती है। तो आगे आप लोगों को वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये आप लोग रेलवे में देखते हैं कि कार्य कैसे किया जाता है। अभी तकरीबन टेम्परेचर 35-36 के आसपास है, और इतने तगड़ी धूप में यहाँ पर देखिए कैसे राहत कार्य बचाव कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर स्काउट गाइड वाले भी आए यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर सामने, यहाँ पे इन लोगों का जिसका भी जो ऑपरेशन होता है, जो कार्य होता है, सब कोई काम करता है अपना अपना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी NDRF की टीम लगी हुई है यहाँ पर ट्रेन को काटने के चक्कर में, और यहाँ पे हमारे मुकेश भाई जा रहे हैं इधर सामने से। तो और भी चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं, ये सब यहाँ पर सामने देख सकते हैं ग्रुप डी की जो पोस्ट के ट्रैकमैन में गैंगमैन में काम करते हैं, तो ये लोग यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और राहत कार्य के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फाइनली यहाँ पर देखिए कैसे मरीज को अंदर से निकाला जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं NDRF की टीम जो खिड़की काट रही थी उसको काट दी है, और यहाँ पर देखिए कुछ रेलवे के एम्प्लॉयज है जो इसमें मरीज को लेकर के जा रहे हैं राहत शिविर में। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया कर्मी भी है हमारे पीछे, यहाँ पर साथ में कुछ यहाँ पर राजकोट महानगर पालिका की यहाँ पर गाड़ी भी आई हुई है। और देखिए यहाँ पर मरीज को कैसे यहाँ पर रखा जा रहा है, यहाँ पर लेटाया जा रहा है। कुछ मरीज और भी आगे यहाँ पर आएंगे, तो अभी मैं उन लोगों को भी दिखाऊंगा। आप यहाँ देखिए राहत शिविर है, अगर कहीं पर भी दुर्घटना होती है तो राहत शिविर कैंप लगाया जाता है, मरीज़ को लाया जाता है, एक्सीडेंटल मरीज को लेकर आया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है, और उसके बाद से अच्छी फिर टीमें चली जाती हैं अपने अपने पोजिशन पर। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग अपने पोजिशन पर आ चुके हैं, और ये रेलवे वर्कशॉप की टीम है हमारी, तो देख सकते हैं ये कमलेश भाई, जमादार भाई, और भी काफ़ी गिरीवप वो है। तो और भी यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कैसे मरीज़ को निकाला जा रहा है, यहाँ पर सभी को भाग दौड़ कर रहे हैं यहाँ पर, और मीडिया कर्मी भी हैं यहाँ पर आए हुए हैं।
देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोग, यहाँ देखिए देखिए कंधे पर उठाया करके लेके जाया जा रहा है मरीज को, इसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है और हाथ में चोटें आई हैं। तो कैसे इसको मरीज को लेकर के जाया जा रहा है एम्बुलेंस के साइड में। और भी देखिए यहाँ पे इसका, इस मरीज़ का सर फटा हुआ है, हाथ में चोट आई है। तो किस प्रकार से इस मरीज़ को लेकर जाया जा रहा है वहाँ पर राहत शिविर में। अभी यहाँ पर रेलवे वर्कशॉप की जो टीम है, यार्ड की जो टीम है, तो वो लग चुकी है यहाँ पर इधर दूसरे साइड से मरीजों को निकालने के लिए। राहत कैंप का जो शिविर है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसके माध्यम से यहाँ पर कैंप को अति हवा भर करके उठाया जाता है। तो चलिए इसका भी मैं फुल आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, प्रोसेस दिखाऊंगा आगे कि कैसे किया जा रहा है ये। तो आज का जो दोस्तों ब्लॉग है रेलवे का, बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को आगे दिखा सकता हूँ। ये रेड कलर की जो मेडिकल रिलीफ वैन है यहाँ पर, इसी गाड़ी से सब कोई रेलवे स्टेशन से एकत्रित होकर के आता है यहाँ पर, सभी टीमें आती हैं। और ये हमारे सामने आ गए थे सनी भाई, यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर से इसके अंदर गैस भरा जा रहा है, हवा भरा जा रहा है, ताकि अच्छे से ये स्टैंड हो सके यहाँ पर शिविर। तो राहत कार्य बचाव के लिए शिविर, जैसे कि कोई मरीज वरीज होता है ज़्यादा, मतलब कि उसको रिलीफ की ज़रूरत होती है, सोने की व्यवस्था की जाती है, बैठने की व्यवस्था की जाती है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, तो उन सबसे रिलेटेड इन शिविर में इसमें लाया जाता है उस मरीज़ को, इसके अंदर उसकी सुविधा दी जाती है, तभी कैसे प्रॉपर पूरा बाकायदा तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं यहाँ पर आधा आधा यहाँ पर हवा भर चुका है और भी यहाँ पर भरा जा रहा है चारों तरफ से। ये कर्मचारी एक एक पकड़ लिए कोना, और इसमें हवा जैसे भर जाएगा, ऑक्सीजन भर जाएगा, तो आगे फूल जाएगा वो। यहाँ पर अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो रेलवे की जो टीम है, यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे की टीम है, और यहाँ पर देखिए इन लोगों का भी ये प्रोसेस चालू किया जा रहा है यहाँ पर। कैसे यहाँ पर खिड़की काटेंगे ये लोग, खिड़की तोड़ करके खिड़की के ऊपर जो रोड लगे रहते हैं उसको निकाला जाएगा अच्छे से। ऊपर से देख सकते हैं वहाँ पर छत के ऊपर से NDRF की टीम है, जैसे कि अगर साइड से घुसने का नहीं जाता है, जगह नहीं रहता है, खिड़की की तरफ से घुसने का टाइम नहीं रहता है, तो उसको भी खोल करके यहाँ से ऊपर से कटिंग करते हैं और ऊपर से कटिंग करके निकालते हैं उसको। अभी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर अभी, लेकिन जल्द से जल्द इसको देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर से खोला जा रहा है, यहाँ पर चारों तरफ लगाया जाएगा और अच्छे से कैसे बड़ा किया जा रहा है। देखिए हवा भर रहा है इसमें, और इस प्रकार से पूरा राहत कैंप जो है कि खड़ा किया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो मरीज़ को यहाँ पे इसमें राहत शिविर में लेकर के आया जाए, उसको बाकायदा इलाज उपचार किया जाए। सामने मेडिकल की टीम है, देख सकते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर अपना अपना पोजीशन पे आ चुके हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कॉमन पोस्ट की जो रहती है पब्लिक टीम, वो यहाँ पर खड़ी रहती है आपको सुविधा देने के लिए। छोटे छोटे जनरेटर लेके जाया जा रहा है यहाँ पर, जिसके प्रकार से इसके अंदर जल्दी से हवा फिल किया जाएगा राहत शिविर के कैंप के अंदर। तो यहाँ पर सब कोई अपने अपने टीम लेकर के एक्टिव है, और किस प्रकार से काम किया जाता है वो आप सब लोग के सामने है रेलवे के अंदर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर रेलवे की जो एक्सीडेंट होती है, ट्रेन की जो एक्सीडेंट होती है आपस में टकराने की वजह से होती है ज़्यादातर करके, तो वहाँ पर इस प्रकार से राहत कैंप लगाया जाता है सामने आप लोगों के। राहत कैंप लगाने के बाद आप लोगों को देखना होगा कि कितना मशक्क़त करना पड़ता है यहाँ पर रेलवे के ऑफिसर को, रेलवे एम्प्लॉयज़ को, कि किस प्रकार से वहाँ पर रेलवे की सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग लगे हुए हैं अपने मशीन लेकर के खिड़की को काटने के लिए। खिड़की काट करके अंदर इसमें जाएंगे रेलवे की टीम और अंदर से मरीज़ को लेके आएगी। तो देखिए यहाँ पे सामने से एक मरीज और जा रहा है यहाँ पे, इसको राहत शिविर कैंप डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। आगे के डॉक्टर जा रहे हैं यहाँ पे सामने, देखिए यहाँ पे डॉक्टर वॉक्टर सब कोई टीम है, और हर कोई टीम कैसे कैसे अपना अपना काम करता है, सबकी सबका जैसे रेलवे के अंदर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, उस प्रकार से अलग अलग टीमें भी हैं यहाँ पर जो अलग अलग राहत कार्य करते हैं वो लोग। यहाँ पर सामने देख सकते हैं अभी ऊपर की तरफ ये जो यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप लोग NDRF की टीम है, ट्रेन कोच के ऊपर चढ़ी हुई है, तो वहाँ से ऊपर से मरीज को कैसे नीचे भेजेगी वो सब वीडियो में आपको आगे मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिए ये कि यहाँ पर कैसे सर में पट्टी उट्टी लगा हुआ है, इसको लेकर आया जा रहा है मरीज़ को। ये देखिए यहाँ पर हाथ सिर अब कैंप जो है खड़ा हो रहा है धीरे धीरे। ये हमारे भाई मनीष आ गए, प्रदीप आ गए, जो हमारे साथ में रहते हैं लोग। तो चलिए दिखाते हैं आगे। अब यहाँ से
सारी रेलवे की टीम यहाँ पे देखिए कितने वजन वजन सामान सब कोई मिल करके उठाता है और ले करके जाता है ट्रेन के कोच के बाजू में, ताकि कैसे कैसे ट्रेन को ऊपर उठाया जाएगा जैक के द्वारा। नीचे अगर कोई व्यक्ति फंसा है तो उसको ऊपर लिया जाएगा, नीचे निकाला जाएगा वहाँ से। ट्रेन की जो पटरी से उतर जाती है कोच, तो उसको कैसे वहाँ पर लाया जाता है जैक के द्वारा, तो सब प्रोसेस वीडियो दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं वहाँ पर NDRF की टीम नीचे से कोच के ऊपर से सीट के ऊपर से के मरीज़ को लेकर के NDRF की टीम वहाँ पर ला दी है ऊपर उसको। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मरीज़ को आसानी से सावधानी से अच्छे से उसको बचा करके कैसे लेके आया जा रहा है यहाँ पर रस्सी के सहारे नीचे। तो चलिए पूरे वीडियो में बने रहिए आप लोग, और ऐसे ब्लॉग हमारे जो रेलवे से रिलेटेड है आप लोगों को जरूर मिलता रहेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं NDRF की टीम बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है, अपना हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट लगा करके सब कुछ। यहाँ पे बहुत पब्लिक आ चुकी थी यहाँ पे दोस्तों, तो अभी मैं भी यहीं पर हूँ। अभी देख सकते हैं यहाँ पर सामने यहाँ पर लगातार यहाँ पे NDRF की टीम बनी हुई है, और आप लोगों को खास पता होगा कि आप लोगों को NDRF की टीम हर जगह लगी रहती है। कहीं पर भी कोई भी आपदा आए, संकट आए, विपत्ति आए, तो वहाँ पर NDRF की टीम आप लोगों को मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मरीज़ को कैसे रस्सी के सहारे नीचे लाया जा रहा है यहाँ पर अच्छे से सावधानी पूर्वक, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। ये रस्सी है यहाँ पर देख सकते हैं, फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर वीडियो में सामने आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर NDRF की टीम यहाँ पर नीचे खड़ी है, ऊपर से हल्के हल्के इशारे के माध्यम से नीचे लाया जा रहा है। और ये पूरी वीडियो जो है आप लोगों को रेलवे के हमारे देखे स्टैंडिंग एरिया है, तो यहाँ पर हमारे वीडियो में जो DPR ब्लॉग चैनल है हमारा, इसके माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा आगे भी वीडियो। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी 3-4 महीने पहले भी एक जगह ऐसे ही मॉक ट्रायल हुआ था, तो उसमें भी मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया था कैसे कार्य किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं NDRF की टीम है, यहाँ पर मरीज को अपने अंडर ले चुकी है, यहाँ पर ऊपर से आगे नीचे, और यहाँ पर कुछ मीडिया बंधु भी आए, यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर NDRF की टीम देखिए कैसे काम कर रही है, यहाँ पर गर्मी है और गर्मी के अंदर ये लोगों ने देखिए कैसे बड़े बड़े जैकेट पहन करके मीडिया मतलब राहत कार्य चालू कर रहे हैं। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इसमें जो भी NDRF की टीम है जो इम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पर, उनके पूरे शरीर से पसीने टपक रहे हैं, क्योंकि 35-36 डिग्री टेम्परेचर में धूप में इतना बड़ा जैकेट पहन करके कार्य करना। यहाँ पर देखिए स्ट्रेचर भी ला दिया गया है यहाँ पर, उसके ऊपर कैसे रखा जाएगा मरीज़ को, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को दिखाते हैं कुछ। यहाँ पे देखिए गुजरात पुलिस आ चुकी है, RPF की पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे देखिए मरीज़ को कैसे दौड़ के लेके बहाया जाता है राहत शिविर में, एम्बुलेंस में, जिसकी सीरियस कंडीशन होती है उनको आगे ले जाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आगे भी प्रक्रिया चालू है, अभी यहाँ से भी कटिंग करके और अंदर से मरीज को बाहर निकाला जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, जो रेलवे के अंदर काम करता है, जो रेलवे के अंदर ड्यूटी करना चाहता है, जो रेलवे में आना चाहता है, वो हमारे इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करें और ज़रूर देखें, फुल वीडियो देखें कि राहत कार्य कैसे किया जाता है। और यहाँ पर खाने पीने की भी चीज़ें लेके आई जाती हैं मरीज को और रेलवे एम्प्लॉयज़ को भी। यहाँ पर देख सकते हैं राहत शिविर, यहाँ पर वैगूम के द्वारा यहाँ पर कैसे यहाँ पर तैयार कर दिया गया है, यहाँ पर सामने देख सकते हैं। और ये हमारे सामने विनय भाई हैं अयोध्यावासी, और भी यहाँ पे सबको यहाँ पे स्टेशन से जितने भी ग्रुप डी के पोस्ट के थे सबको आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर राहत शिविर के अंदर यहाँ पर राहत शिविर तैयार कर दिया गया अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे पीछे भी देख सकते हैं काफ़ी टीमें, यहाँ पर डॉक्टर की टीमें है पीछे, ये राहत शिविर तैयार हो चुका है यहाँ पर। और जिस भी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भीड़ जितनी है यहाँ पर सब रेलवे कर्मचारी हैं और कुछ मीडिया कर्मचारी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी कटिंग चालू है यहाँ पर अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं बाहर से मैं आपको वीडियो दूँ तो पूरा लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं हर प्रकार की टीम आ चुकी है यहाँ पर, ERT भी है यहाँ पर, देखिए ऊपर से NDRF अभी भी लगी हुई है। रेलवे कर्मचारी किस प्रकार से अच्छे से काम करते हैं। और ये देखिए मरीज जो है निकाले गए थे अंदर से कोच के अंदर से, उन मरीजों को यहाँ पर बैठाया गया है अच्छे से। ये जो मरीज का जो डमी है इसको यहाँ पर अच्छे से लिटाया गया है, और राहत कैंप में इस प्रकार से यहाँ पर कार्य होता है। यहाँ पर देख सकते हैं फायर की गाड़ी है यहाँ पर, पूरा प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर सब कोई खड़ी है। क्या एक भी गाड़ी एक भी टीम छूटती नहीं है दोस्तों,
इसके रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर अगर कहीं पर भी दुर्घटनाएं होती हैं तो सभी अधिकारी पहुंचने अनिवार्य होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मरीज को अंदर से यहाँ पर लाने के लिए गेट खोल दिए गए। यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ताकि किसी प्रकार की फ्रिक्वेंसी नेटवर्क में कोई दिक्कत ना हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए। आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। यहाँ पे देख सकते हैं सहायता बूथ है, किसी प्रकार की अगर कोई किसी को सहायता चाहिए तो यहाँ पर आकर के ले सकता है वो। यहाँ पर देख सकते हैं हर एक प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं जो एक मेडिकल एक्सीडेंट में होता है, ट्रेन एक्सीडेंट में होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।